स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। मैं हूँ पूर्णिमा शर्मा और आज हम चर्चा करेंगे ऐसे विषय पर जो आपकी जिंदगी से जुड़ा है, आपकी स्वास्थ्य से जुड़ा है, आपकी सतर्कता से जुड़ा है, आपकी प्रोटेक्शन लेवल से जुड़ा है। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं क्या तीसरी लहर दस्तक दे रही है, कितना सतर्क रहना चाहिए हमें, कितना सावधान रहना चाहिए। देश भर में जो रेनाउंड साइंटिस्ट है वो क्या प्रोजेक्शन दे रही है, क्या कह रहे हैं, क्या फरवरी में तीसरी लहर आ सकती है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कानपुर आईआईटी कानपुर से जुड़े हैं प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल। बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल आपका इस कार्यक्रम में। धन्यवाद, नमस्कार। तो प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल, हम सुन रहे हैं तीसरी लहर को लेकर जो प्रोजेक्शंस आ रही हैं, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगी जिस सूत्रा मॉडल की बात कर की जा रही है वो क्या है, और क्या आप कह रहे हैं कि कितने केसेस हैं। फरवरी में पीक की बात हो रही है कि अगर तीसरी लहर आई तो फरवरी में कितने केसेस रोज आ सकते हैं, लोगों को कितने सतर्क रहना चाहिए, कितना सावधान रहना चाहिए, किन अजम्पशंस को लेके इस मॉडल को डेवलप किया गया है, और इस स्टडी में आपने क्या क्या अजम्पशन ली। आप सबसे पहले ये बताएं कि सूत्रा मॉडल क्या है। जी, सूत्रा मॉडल एक एपिडेमियोलॉजिकल मॉडल है जो कि कोविड ट्रैजेक्टरी को मॉडल करता है और उसके हिसाब से प्रेडिक्शन भी करता है। तो इस मॉडल के तीन मुख्य पैरामीटर्स हैं। एक है कॉन्टैक्ट रेट, जो ये नापता है कि इन्फेक्शन कितनी तेजी से फैल रहा है। दूसरा है रीच, जो ये नापता है कि कितनी बड़ी जनसंख्या में इन्फेक्शन फैला हुआ है किसी भी समय। और तीसरा है डिटेक्शन रेशियो, जो ये नापता है कि जो रिपोर्टेड केसेस हैं वो कितना प्रतिशत है टोटल नंबर ऑफ केसेस, क्योंकि बहुत सारे रिपोर्टेड केसेस हम जानते हैं कोरोना में डिटेक्ट भी नहीं होते। तो डिटेक्टेड केसेस और एक्चुअल केसेस का रेशियो, वो डिटेक्शन रेशियो है। तो ये तीन पैरामीटर हम मॉडल के द्वारा, जो डेटा आता है रोज का, उसके उस पर मॉडल को रन करके ये तीनों पैरामीटर की वैल्यूज को एस्टिमेट करते हैं, वो डेटा के द्वारा ही एस्टिमेट करते हैं, और वो फिर हमें बताता है कि आगे क्या संभावना हो सकती है। तो जैसे ओमिक्रॉन के लिए फ्यूचर में प्रेडिक्शन हमें करना है, तो उसके लिए हम भविष्य में इन तीनों पैरामीटर की क्या वैल्यू होगी इसके बारे में अंदाज लगाते हैं और फिर मॉडल को चलाते हैं, तो जो हमें बताता है कि इन केसेस रोज नए कितने होंगे। तो ये तरीका है हमारे मॉडल में किस प्रकार से हम इसको चलाते हैं, कैसे करते हैं। और ओमिक्रॉन के बारे में हमने कुछ एनालिसिस किए जो शायद अभी डिस्कशन में आएगा।